खबर चंडीगढ़ से है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर पलटवार किया है और कहा कि अभय चौटाला का पिता और भाई के जेल के संघर्ष से पेट नहीं भरा है, जो अभय चौटाला भतीजे को जेल में डलवाने की सोच रखते हैं। दिग्विजय ने हमला तेज करते हुए कहा कि अभय सिंह ख्याली पुलाव पकाना बंद करें, नकारात्मक सोच की वजह से अभय राजनीति में हाशिए पर है। उन्होंने कहा कि हमारी यही दुआ है कि अभय सिंह को कभी जेल ना हो। डिप्टी सीएम के नेतृत्व में आज आबकारी, जीएसटी और राजस्व विभाग के टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। तो जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर बड़ा पलटवार किया है और कहा कि अभय चौटाला का पिता और भाई के जेल के संघर्ष से पेट नहीं भरा है, जो अब अभय चौटाला भतीजे को जेल में डलवाने की सोच रखते हैं। भतीजे यानी कि दुष्यंत चौटाला। दिग्विजय ने यह भी कहा कि अभय सिंह ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जो उनको बंद कर देना चाहिए। नकारात्मक सोच की वजह से अभय ये राजनीति में इस वक्त हाशिए पर है और यही दुआ है कि अभय सिंह को कभी जेल ना हो, यह भी कहा है दिग्विजय चौटाला ने। और ये भी जानकारी दी कि डिप्टी सीएम के नेतृत्व में आज आबकारी, जीएसटी और राजस्व विभाग के टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, ये भी जानकारी दी। और साथ ही साथ अभय चौटाला पर दिग्विजय चौटाला ने बड़ा हमला किया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। दरअसल अभय चौटाला ने ये कहा था कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की तरह दुष्यंत चौटाला को बीजेपी जेल में डलवा देगी। इसी को लेकर दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया है और कहा है कि अभय चौटाला अपनी फिक्र करें, क्या उनको पिता और भाई के जेल के संघर्ष से अभी भी पेट नहीं भरा है, जो अब वो भतीजे को जेल में डलवाने की सोच रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभय सिंह ख्याली पुलाव पकाना बंद करें, नकारात्मक सोच की वजह से ही अभय आज राजनीति में हाशिए पर है। हमारी यही दुआ है कि अभय सिंह को कभी जेल ना हो, यह भी बड़ी बात कही है दिग्विजय चौटाला ने। जो जुबानी हमला है एक दूसरे पर तेज हो गया है, चाहे वो अभय चौटाला हो चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो, आपस में जो एक ही परिवार से हैं लेकिन जो राजनीतिक जीवन है वो दोनों का अलग अलग, और अब दूरी भी बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों ही तरफ से हमले तीखे किए जा रहे हैं, चाहे वो अभय चौटाला हो चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो। इससे पहले कल हमने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस पर खूब बरसे हैं और अब अभय और दिग्विजय चौटाला आमने सामने आ गए हैं। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर पलटवार करते हुए यही कहा है कि हम ये दुआ करते हैं कि कहीं आप जेल में ना हो, क्योंकि अभय चौटाला ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुष्यंत चौटाला को जेल में डाल दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो तलखी है अभय चौटाला और दिग्विजय चौटाला में, वो साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा गया, उनके चाचा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा। तो जवाब देने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला सामने आए हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई भी हैं और जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि पिता और भाई के जेल के संघर्ष से पेट नहीं भरा, तो भतीजे को भी जेल में डालना चाहते हैं अभय सिंह, भगवान करे चाचा अभय सिंह को कभी जेल ना हो। दिग्विजय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर काउंटर किया और ये भी कहा है कि जनता ने अभय चौटाला की नकारात्मक सोच की वजह से उन्हें राजनीति में हाशिए पर ला दिया है, दुष्यंत को सकारात्मक विकासशील सोच के वजह से सत्ता में पहुंचाया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यूं तो अभय चौटाला के अनेक मामले अदालतों में लंबित है, लेकिन हमारी सोच अलग है, हम भगवान से दुआ करते हैं कि अभय सिंह को कभी भी जेल ना जाना पड़े। तो ये तलखी है परिवार की भी, एक राजनीतिक दल से टूट के बने दूसरे राजनीतिक दल को भी, और चौटाला परिवार का जो घमासान है आपस में वो जारी है। और अभय सिंह चौटाला के बड़े तीखे वार पर जवाब देने के लिए मैदान में अब दिग्विजय सिंह चौटाला आ गए हैं। बिल्कुल, और अभय चौटाला ने भी बड़ी बात कही। वो ये कहते हैं कि कहीं जिस तरह से दिल्ली में हुआ कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया, कहीं इस तरह से दुष्यंत को भी जेल में ना भेज दिया जाए। हाँ, उनका कहना है साफ तौर पे कि जिस तरह से शराब के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री गए थे जेल में,
और जेल में ही है। तो ऐसा ही जो शराब का मामला है उसकी जांच चल रही है और उस जांच में एसईटी की रिपोर्ट को सामने सरकार लाती नहीं है और ये भी कहते हुए निशाना साधते नजर आए कि ये बीजेपी सरकार ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को इसी तरह से शराब के मामले में जेल में डालने का काम करेगी। और दिग्विजय चौटाला की तरफ से एक और बड़ी बात ये कही गई कि अभय चौटाला खुद इतने नेगेटिव हो चुके हैं, यही वजह है कि आज इनेलो की ये स्थिति आ गई है और खुद अभय चौटाला की ये स्थिति है हरियाणा में। बिल्कुल, दोनों से कंपेयर करते हुए कहा कि किस वजह से नेगेटिव राजनीति की वजह से अभय सिंह चौटाला इनेलो को हाशिए पे ले आए हैं और एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच की वजह से इस समय जो दुष्यंत चौटाला है और जेजेपी है सत्ताधारी पार्टी है। विनोद, एक और बात जो राजनीतिक पहलू को अगर समझें कि जो दोनों ही तरफ से जुबानी हमला अब तेज हो गया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने साफ तौर पे 2024 की भूमिका तैयार हो रही है और इंडियन नेशनल लोकदल को सर्वाइवल के लिए। लेकिन अभय चौटाला हरियाणा की राजनीति के मौजूदा नेताओं में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रखर होके कहीं ना कहीं मुद्दों को तो उठाते ही है, लेकिन जब एक होता है कि राजनीतिक मर्यादा या परिवार की, तो उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं। और अगर अजय सिंह चौटाला परिवार की बात की जाए तो वहां उनकी टक्कर देने के लिए दुष्यंत से भी ज्यादा तीखे बोल के साथ अगर कोई सामने आता है तो वो दिग्विजय आता है। राजनीतिक है और राजनीतिक के साथ साथ इसमें निजी पारिवारिक रिश्ते तो हैं ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते जिस तरह के कई मामले थे तो उसको लेकर हमला करने का, और सबसे तीखा हमला भी सरकार में अगर अभय चौटाला किसी पर करते हैं तो दिग्विजय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं कि करते हैं दुष्यंत चौटाला पे। और विधानसभा का सत्र भी आपने देखा होगा, हिसार का मामला होगा कि इस तरह से जो जमीन का मामला था, हालांकि उसमें सरकार की तरफ से और दुष्यंत चौटाला की तरफ से उप मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम सफाई भी आई, वहां भी निशाना साधा गया। और पूरी सरकार में अगर सबसे तीखा हमला अभय सिंह चौटाला किसी पर बोलते हैं तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बोलने का काम करते हैं। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए।